नमस्कार, स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2023-24 का कार्यक्रम के बारे में। जी हां, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्लास 9th या 10th में पढ़ते हैं तो आपके लिए ज़रूरी जानकारी है कि आपका जो प्रथम शाब्दिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला है 2023 में, तो उसका फाइनली रूटीन आ चुका है। तो कब से आपका एग्ज़ाम होगा और किस दिन कौन सा विषय होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि आपको हाई स्कूल में जो है क्लास 9th और 10th में आपको 3 एग्ज़ाम देना होता है। तो पहला जो एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, दूसरा होता है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन और तीसरा होता है सेंट ऑफ एग्ज़ाम। और इसके बाद आपका बोर्ड परीक्षा होता है जिसका सेंटर स्कूल से बाहर होता है। तो यहाँ पर देखिए कब से ये परीक्षा होगा और इसमें आपको परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। तो 18 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2023 के बीच आपका प्रायोगिक परीक्षा होगा यानी प्रैक्टिकल परीक्षा होगा जो विद्यालय में ही होगा। ठीक है, तो ये 18 जुलाई से ही आपका कह सकते हैं परीक्षा शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिकल परीक्षा जो आपको विद्यालय में ही होगा। और मेन परीक्षा की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 24 जुलाई 2023 से शुरू होगा। ठीक है, और इस दिन देखिए आप प्रथम पाली में जो आपको सामाजिक विज्ञान होगा और ये किसके लिए होगा, क्लास 10 के लिए। तो यहाँ दो पाली में एग्ज़ाम होना है यानी दो सिटिंग में एग्ज़ाम होना है। तो प्रथम पाली में क्लास 10 का एग्ज़ाम होगा और द्वितीय पाली में क्लास 9 का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे देखिए जो टाइमिंग है वो 9:30 से 12:45 से 10 क्लास के लिए है और नौवीं कक्षा के लिए है 1:15 से 4:30 बजे तक द्वितीय पाली में। तो समझ लीजिए आपका किस दिन कौन सा विषय होने वाला है। पूरी तैयारी आपको हमारे चैनल पे कराया जाएगा तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 24 को सामाजिक विज्ञान किसके लिए, क्लास 10 के लिए, और अंग्रेजी होगा क्लास 9th के लिए। इसी तरह से 25 जुलाई को आपको हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, इसमें से आप जो रखे होंगे उसका परीक्षा देना होगा आपको 25 तारीख को। उसी तरह से 25 को ही द्वितीय पाली में आपको संस्कृत, हिंदी, फारसी, ये सभी विषय इसमें से जो आप रखे होंगे तो ये क्लास 9th के लिए होगा। उसके बाद देखिए 26 को आपका एग्ज़ाम है, 26/7/2023 को अंग्रेजी विषय होगा क्लास 10th को पहली सिटिंग में, और दूसरी सिटिंग में आपको हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, इसमें से जो रखे होंगे क्लास 9th के स्टूडेंट वो उसका परीक्षा आपको होगा। इसी तरह से 27 को भी एग्ज़ाम होगा आपका, 27 को गणित का होगा क्लास 10th के लिए, और 9th को भी गणित ही होगा सेकेंड सिटिंग में। इसी तरह से 28/7/2023 को सामान्य विज्ञान यानी विज्ञान विषय का परीक्षा होगा क्लास 10th के लिए, और 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान विषय का परीक्षा होगा। फिर इसके बाद देखिए 29 को एग्ज़ाम नहीं है, 30 को भी नहीं है। यहाँ पे देखिए सोमवार यानी 31 को फिर एग्ज़ाम होगा द्वितीय भारतीय भाषा, संस्कृत, हिंदी और फारसी, इसमें से आप जो रखे होंगे क्लास 10th का स्टूडेंट उसका परीक्षा होगा, और विज्ञान विषय होगा क्लास 9th को। इसके बाद 1 अगस्त को ऐच्छिक विषय यानी एक्स्ट्रा विषय अगर आप कोई रखे होंगे तो इसका परीक्षा होगा क्लास 10th को। चलिए ये हो गया। इसमें अब एक चीज़ और है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा इसमें। और यहाँ पर देखिए 29 को शनिवार पड़ता है इसलिए एग्ज़ाम नहीं है, और मुहर्रम की छुट्टी भी है, और 30 को संडे पड़ता है इसलिए 2 दिन बीच में गैप।